हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम गेहूं के आटे से ब्रेड बनाएंगे। ये घर में बना गेहूं के आटे का ब्रेड का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही मार्केट वाले ब्रेड से बेटर होता है, और हम घर में बना रहे हैं तो हेल्दी तो है ही बिल्कुल। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये। तो चलिए हम ये ब्रेड बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हमारे ईस्ट को एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए हम एक छोटे बोल में एक बड़ा चम्मच ईस्ट डालेंगे। यहाँ मैंने एक्टिव ड्राई ईस्ट यूज़ किया है। और फिर हम इसमें 3 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे, और फिर हम इसमें 1/4 कप दूध डालेंगे। ध्यान रखें हमारा दूध हल्का गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं। अगर ज़्यादा गर्म हुआ तो हमारी ईस्ट एक्टिवेट नहीं होगी और वो मर जाएगी। तो इसीलिए हम इसमें हल्का गरम दूध ही डालेंगे, और फिर इसे ऐसे चला के मिक्स करके फिर हम इसे ढक करके छोड़ देंगे। हमें इसे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। तो 10 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे, हमारी ईस्ट ऐसे फूल के ऊपर आ गई है। इसका मतलब है कि हमारी ईस्ट एक्टिवेट हो गई है। तो अब हम एक बड़े बोल में 700 ग्राम्स आटा लेंगे, ये गेहूं का आटा है। फिर हम इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक डालेंगे, या फिर आप स्वाद अनुसार नमक भी डाल सकते हैं। और फिर हम नमक को आटे में ऐसे मिक्स कर देंगे, और फिर जो हमारा यीस्ट का मिक्सचर है उसे हम आटे के बीच में ऐसे एक वेल बना के फिर हम इसमें डालेंगे। ये यीस्ट मिक्सचर को हम डालने से पहले ऐसे थोड़ा हिला लेंगे ताकि जो नीचे बैठा हुआ चीनी और ईस्ट है वो भी सब आ जाए। तो बस इसे ऐसे हम अपने हाथों की मदद से ऐसे मिक्स करते हुए एक सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। आटा लगाने के लिए दूध का इस्तेमाल करें, इससे ब्रेड की सॉफ्टनेस बहुत अच्छी आती है। तो बस ऐसे ही जैसे हम नॉर्मल प्रोसेस से आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे करीब करीब 400 ml दूध इस्तेमाल किया है आटा लगाने के लिए। आपका थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। फिर हम इसमें 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे, और फिर इस तेल को हम अच्छे से इस आटे में मसल देंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट तक हमें इस आटे को अच्छे से मसलना है। आप चाहे तो इसे अपनी काउंटर टॉप पे भी मसल सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा सूखा आटा इसमें ना मिलाए, क्योंकि फिर ये आटा सख्त हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। बहुत ही थोड़ा सा सूखा आटा यूज़ करते हुए आप इसे बिल्कुल एक सॉफ्ट डो में तैयार कर लीजिए। तो अब 15 मिनट हो गए हैं। तो 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये बहुत ऐसे स्मूथ सा दिख रहा है बिल्कुल। ये देखिए ये स्मूथ है, बट एट द सेम टाइम ये सॉफ्ट भी है। तो हमें इसे टाइट नहीं करना है। तो आप ज़्यादा सूखा आटा बिल्कुल भी मत मिलाइए। तो अब हम एक बर्तन ग्रीस कर लेंगे जिसमें हमें इसे राइस करने के लिए रखना है, और फिर हम इस आटे में भी थोड़ा सा तेल ऊपर ऐसे लगा के आटे को ऐसे चिकना कर लेंगे, और फिर इसे हम एक बॉल जैसा बना लेंगे। हमें मतलब बॉल ऐसा बनाना है कि जो इसका ऊपर का पार्ट है वो बिल्कुल ऐसे स्मूथ हो। इसे टक भी बोलते हैं। तो हम बस इसे ऐसे टक कर देंगे, और जो जॉइंट वाला पार्ट है उसे हम नीचे रखेंगे। तो इसे हम ऐसे ऊपर से ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, और फिर एक क्लिंग रैप से हम इसे कवर करके रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। क्लिंग रैप हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये जो हमारा आटा है वो ऊपर से सूखे ना। तो हमें इसमें एयर अंदर जाने नहीं देना है, इसीलिए हम क्लिंग रैप लगाते हैं। तो अब हम इसे एक कोई गर्म जगह पे 2 घंटे के लिए राइज करने के लिए रख देंगे। इसे फर्स्ट प्रूफिंग भी बोलते हैं। तो जब तक हमारा डोर राइज हो रहा है तब तक हम अपना मोल्ड ग्रीस करके रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए हम मोल्ड में थोड़ा सा तेल डालेंगे, और फिर इसे चारों तरफ से ऐसे ग्रीस कर लेंगे। आप तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगाइए ताकि आपका जो ब्रेड है वो
इजीली बाहर आ जाए। तो अब हम हमारा डो चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा डो कितना अच्छा राइज हुआ है, बिल्कुल डबल हो गया है। जितना हमने डाला था उसका बिल्कुल डबल हो के रेडी है। अब हम इस आटे में से इसका जो एयर है वो पंच आउट करेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर डालेंगे और फिर ऐसे पंच करेंगे। ये देखिए पंच करने से इसका जो एयर है वो निकल जा रहा है। हमें इसका एयर पूरा निकाल देना है अभी, क्योंकि जो ये फर्स्ट प्रूफिंग वाला एयर होता है उसमें थोड़ा यीस्ट का एक फ्लेवर होता है। तो इसीलिए हम इसका जो एयर है वो हम निकाल देंगे और फिर इसे ऐसे काउंटर पे थोड़ा सा सूखा आटा लगा के ऐसे फैला लेंगे और फिर हम इसे हाफ कट कर देंगे। यहाँ आप इतने आटे से दो ब्रेड लोफ बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक ब्रेड लोफ बनाया है और आधे हिस्से से मैंने पिज़्ज़ा बेस और बंस बनाए हैं। तो बस देखिए ऐसे ही हम इसे एक लॉग शेप में बना लेंगे और इसके जो एजेस है वो उसे हम सील कर देंगे। बिल्कुल ऐसे स्मूथ बना के ऊपर से हम इसे मोल्ड में डाल देंगे और फिर हम इसे ऐसे प्रेस करते हुए मोल्ड के एजेस तक ले जाएंगे। ये देखिए ऐसे प्रेस करने से ये मोल्ड के एजेस तक चले जाते हैं, ताकि ये जो ब्रेड का शेप है वो हमारा सही तरीके से आएगा। अब हम इसमें ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे ताकि इसका जो ऊपर का लेयर है वो ड्राई आउट ना हो। तो बस ऐसे ही तेल लगा के हम इसे क्लिंग रैप से ढककर रख देंगे। सेकंड प्रूफिंग के लिए हमें इसे 1 घंटे के लिए रखना है। फर्स्ट प्रूफिंग के लिए 2 घंटे लगते हैं, सेकंड प्रूफिंग के लिए 1 घंटा। तो बस हम ऐसे इसे ढक के एक गर्म जगह पे इसे हम रख देंगे 1 घंटे के लिए। और अब जो ये हमारा बचा हुआ डो है इससे आप या तो एक और ब्रेड लोफ बना लीजिए या फिर आप पिज़्ज़ा बेस बंस कुछ भी बना सकते हैं। इन सब के लिए सेम ही डो तैयार करना होता है। तो 1 घंटे बाद आप देख सकते हैं हमारा जो ब्रेड का डो है वो कितना अच्छा राइज हो गया। तो मैंने 700 ग्राम आटे में मैंने एक ब्रेड लोफ बना लिया, एक बंस बन का ट्रे बना लिया, एक पिज़्ज़ा बेस और एक छोटा ब्रेड मैंने ग्लास में बनाया है। तो चलिए अब हम इसे बेक करने के लिए चलते हैं। ब्रेड को हम एक प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। तो आधा घंटा हो गया है, हमारा ब्रेड चेक कर लेते हैं। इसका कलर देख के हमें लग रहा है कि हमारा ब्रेड रेडी है, बिल्कुल ऐसे ब्राउन कलर आया है। तो बस अब हम इसे ऐसे वायर रैक पे रख के और फिर इस पे ऊपर हम बटर लगाएंगे। बटर थोड़ा ज़्यादा ही लगाइए तो इसका जो क्रस्ट है वो बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट बना रहेगा और शाइनिंग आ जाएगी बिल्कुल इसके क्रस्ट में। तो बस ऐसे ही हमें बिल्कुल गरम गरम में बटर लगाना है। बटर लगाते ही देखिए कितना टेम्पटिंग लगने लग गया है ये। तो अब हम इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो चलिए हम इसके स्लाइसेस काट लेंगे। ऊपर से आप टच करके देख सकते हैं, देखिए इसका क्रस्ट जो है वो सॉफ्ट हो गया है क्योंकि हमने बटर बहुत लगाया था। तो सबसे पहले हम इसके साइड्स छुड़ा लेंगे एक चाकू की मदद से और फिर हम एक किसी प्लेट में या चॉपिंग बोर्ड में इसे ऐसे डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इजीली बाहर आ गया क्योंकि हमने ऑयल बहुत अच्छे से लगाया था हमारे मोल्ड में। इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, बिल्कुल मार्केट जैसा है, इनफैक्ट आई विल से मार्केट से बेटर है। तो अब हम इसके स्लाइसेस कट कर लेंगे। तो आप किसी सिरेटेड नाइफ से इसके स्लाइसेस कट कीजिए। तो ऐसे हम इसके स्लाइसेस काट लेंगे। एक पीस मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा दिख रहा है बिल्कुल। एक बार अगर आप ये
ब्रेड घर में बना लेंगे तो आप वापस कभी भी मार्केट का ब्रेड नहीं लेके आएंगे। कितना सॉफ्ट है बिल। तो आप ये ब्रेड एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपका ब्रेड कैसा बना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।